Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Kirti and thank you so much for tuning in. So हम लोग आ गए हमारे नए अपार्टमेंट में. ये अगेन एक रेंटेड अपार्टमेंट ही है और कल शाम को हम लोगों ने यहाँ पे मूव किया था एंड टुडे इज डे टू. बट अभी बज रहे हैं शाम के 6 और एज ऑफ नाउ आई एम अलोन एट होम. कुणाल गए हैं काव्या को एक बर्थडे पार्टी में लेके और कुणाल कविश भी साथ में गया है. सो वो लोग गए हैं बाहर एंड घर की हालत कुछ अभी ऐसी ही है. यूजुअली ना मैं बहुत जल्दी सब कुछ सेटल कर लेती हूँ. लास्ट घर मैंने 3 दिन में पूरा सेटल डाउन कर लिया था बट इस टाइम जो है आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल. मेरे को बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है एंड इसी वजह से जो है गले की आवाज़ भी बिल्कुल हस्की हुई हुई है और बहुत सारा काम बाकी है. मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ. सब कुछ अभी ऐसे ही फैला हुआ है. सूट केसेस ऐसे ही रखे हुए हैं. लेट मी स्विच ऑन द लाइट्स फर्स्ट. तो अब मैंने दिन में सो गई थी. सो आई एम फीलिंग मच मच बेटर नाउ. मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है. बट आई विल बी डूइंग माई रूम फर्स्ट और किचन भी ना. आई टोल्ड यू ना किचन यहाँ का थोड़ा सा छोटा है. सो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है उसको सेटल डाउन करने में. एंड बाकी सब ठीक है. बाकी बहुत अच्छा घर है. आई एब्सोल्युटली लव इट. ये मेरा बेडरूम है. मेरा ड्रेसर सेट हो गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. बट सॉरी बट अभी मुझे बहुत सारा काम और करना है. मेरा जो ड्रेसर है वो पूरा खाली है. सिर्फ एक ड्रॉअर मेडिसिन की थी जो मैं खाली नहीं कर पाई थी बिकॉज दे केम हाफ एन आवर अर्ली एंड आई वॉन्टेड टू डू इट इन द लास्ट. तो वो ड्रॉअर उन्होंने क्या किया ना, ऐसे ही ड्रॉअर में से चेस्ट में से निकाली और उसके ऊपर बबल रैप करके उसको ठीक से पैक कर दिया था उन्होंने. तो उन्होंने एज इट इज़ ला के बबल रैप हटा के वापस डाल दी थी. सो वो एज इट इज़ है. बाकी सारा काम मुझे करना है एंड आई डोंट नो वाई दिस टाइम आई एम फीलिंग वेरी लेजी. बट मैं करूँगी. हम होंगे कामयाब. आई होप यू गाइज आर विद मी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं एक एक बॉक्स से. और जो मेरे ड्रेसर के बॉक्सेस थे उनको मैंने अच्छे से लेबल कर लिया था. तो अब बस मैं यहाँ पे जो है अपना पूरा ड्रेसर अरेंज करूँगी. और जो लंबा वाला ड्रेसर है ना, मेरा आधा सामान उसमें था. सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ मैं इसको पूरे अच्छे से पोंछ के क्लीन करके एंड देन आई विल पुट ऑल माई स्टफ़ टुगेदर. पहले अलग अलग रखा हुआ था बट अब मैंने इसमें से जो है कविश का सामान भी सारा निकाल दिया है. एंड उनके कमरे में बच्चों के रूम में काफ़ी अच्छी खासी अलमारियां हैं. जगह बहुत है तो मैंने सोचा कि दोनों का रूम एक साथ ही सेट कर देते हैं और कपड़े वपड़े सब एक जगह पर ही सेट हो जाएंगे तो बेटर रहेगा. आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने कौन से पैकर्स एंड मूवर्स की सर्विसेज ली थी. सो ये थे सना पैकर्स एंड मूवर्स एंड इनका मैंने ना हमारी बिल्डिंग के नीचे ही ट्रक देखा था एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू नो अबाउट देम. तो मैंने इनका नंबर वगैरह गूगल करके और 2-3 और कुणाल ने भी मुझे सजेस्ट किए थे तो उन सब से मैंने कोटेशंस ली थी. आई शॉर्टलिस्टेड 3 अकॉर्डिंग टू गूगल रिव्यूज़ और उसके बेसिस पे मैंने इनको कांटेक्ट किया. दे केम होम एंड उन्होंने पूरा सामान देखा एंड देन दे ईमेल्ड मी द कोटेशन विच वाज़ प्रिटी रीजनेबल. हम लोग हमेशा इतना ही 100-200 ऊपर नीचे ही देते हैं. सो इट वाज़ एब्सोल्युटली फाइन विद अस. तो हम लोगों ने इनको यू नो बुक करा था एंड आई आस्क देम टू गिव मी अ फ्यू बॉक्सेस वेल इन एडवांस सो दैट आई कैन पैक माई पर्सनल स्टफ़. तो इन लोगों ने कुछ फ्रेश न्यू बॉक्सेस मुझे भेजे थे. तो सर्विसेज इनकी जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगी. इन्होंने 6 लोग भेजे थे एंड उन लोगों ने आपस में ही डिवाइड कर लिया था कि कौन कौन सा रूम करेगा एंड सारा काम इन्होंने काफ़ी जल्दी कर लिया. दे न्यू हाउ टू डिसमेंटल एंड फिक्स द थिंग्स अगेन. कर्टन्स लाइट्स टीवी वगैरह सब इन्होंने काफ़ी अच्छे से पैक किया और आई हाईली रिकमेंड देम ऑल्सो. ऑल्सो दिस इज़ आई एम नॉट प्रमोटिंग देम हियर बट आई ऑल्सो वॉन्ट यू गाइज टू बेनिफिट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि किस तरीके से इन्होंने यू नो पूरा अच्छे से
सब कुछ हमारा काम करके दिया। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि एक भी मेरी चीज़ जो है वो नहीं टूटी। आई हैव अ लॉट ऑफ ग्लास वेयर एंड पॉट्स इन माई हाउस, बट कुछ भी नहीं टूटा। एवरी थिंग टच वुड केम इन वेरी वेरी नाइसली एंड इंटैक्ट। सो ये जो सारा काम था मुझे करने में अराउंड 1.5 आवर्स लगे। एंड मैं सिमिलर तरीके से नहीं जमा रही हूँ दिस टाइम। आई विल मेक अ फ्यू चेंजेस इन द हाउस, जैसे सजाने में, यू नो। तो बस यहाँ पे प्लांट्स वगैरह निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बिकॉज़ आई नीडेड टू वाटर देम एज वेल। उन्होंने जो मनी प्लांट्स थे वो आधे खाली करके लाए थे ताकि पानी में रहें भी और पानी स्पिल भी ना हो और प्लांट्स भी ख़राब ना हो। सो यहाँ पर देखिए मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम तक थक गई हूँ एंड आई वॉज एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड बाई देन। तो हाँ, मैंने सोचा कि आज के लिए बस करते हैं बाकी का काम कल करेंगे। एंड आई स्विच्ड ऑन द टीवी एंड वेटेड फॉर किड्स एंड कुणाल टू कम बैक। तो बस वो लोग आ गए थे घर पे थोड़ी देर बाद। उसके बाद वी हैड डिनर और हम लोग सब फिर उसके बाद सो गए। सो दिस इज़ द क्लिप फ्रॉम द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगले दिन सुबह उठ के हम लोगों को लग रही थी ज़ोरदार वाली भूख और घर पे नाश्ता बनाने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग गए फेस्टिवल सिटी मॉल। पहले कहीं और जाने की सोच रहे थे बट फिर वी एंडेड अप एट द चीज़ केक फैक्ट्री एट फेस्टिवल सिटी मॉल। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छा सा व्यू सेलेक्ट किया। हम बाहर बैठे एंड बहुत ही अमेजिंग ब्रेकफास्ट था। हम लोगों ने पहले भी यहाँ पे कई बार ब्रेकफास्ट किया है बट आज शायद हम लोग को भूख ज़्यादा लग रही थी एंड वी वर वेटिंग टू ईट। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे एंड द ब्रेकफास्ट वॉज एक्चुअली गुड। ये जो पैनकेक्स आप देख रहे हैं ना, ये मैंने ऑर्डर किए थे सिनेमन पैनकेक्स विच वर ब्रिलियंट। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। एक्चुअली सारी चीज़ें ही ना बहुत अच्छी थी उस दिन वहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद वी ऑल्सो ऑर्डर्ड अ चीज़ केक जो हमने पैक करा लिया बिकॉज वी वर फुल। और उसके बाद हम लोग गए आइकिया, जो अगेन फेस्टिवल सिटी मॉल वाला ही आइकिया है ये। तो मुझे कुछ ऑर्गेनाइजिंग बिन्स लेने थे मेरे कबर्ड्स के लिए, तो वहाँ से मैंने ऑर्गेनाइजिंग बिन्स लिए एंड काफ़ी अच्छी सेल वहाँ पर चल रही थी। सो सेल मुझे कुछ खास लेना नहीं था बट आइकिया जाओ और पूरा आइकिया ना घूमो ऐसा हो नहीं सकता। तो हम लोग पूरा आइकिया घूमे फिरे, वी इन्जॉयड अ लॉट। बहुत ही उस दिन मज़ा आया हम लोगों को। तो बस यहाँ पे देखिए किस तरीके से इन्होंने सारा ऑर्गेनाइज करके रखा है एंड एवरीथिंग इन आइकिया लुक्स सो ब्यूटिफुल। इतने अच्छे आइडियाज़ यहाँ पे आ जाते हैं ना घर सजाने की। एंड लुक एट दीज किचन्स, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं सारी किचन। सो आइकिया से हमने क्या लिया ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, बट अभी के लिए मैं ये वाला व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप यू एंजॉयड दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए जय राम जी की।